फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास ये तीन कैपेसिटर्स हैं और बीच में लगी हुई है बैटरी, आपको हर कैपेसिटर पे चार्ज बताना है क्या होगा? आपको C1, C2, C3 पता है, आपको V भी पता है। तो सबसे पहले कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि सब पैरेलल में आ रहे हैं? सब पैरेलल में, राइट। तो V की वैल्यू सब पे क्या रहेगी? एग्जैक्टली सेम। तो इस पे चार्ज क्या होगा? C1V। इस पे क्या होगा? C2V। इस पे क्या होगा? C3V। तीनों चार्ज आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है कैसे करना है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर C1 C1 है, C2 C2 है, तो आपको ये बताना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। ये कितने लोगों को दिख रहा है कि एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड है, दिख रहा है? C1 बाय C1 क्या होता है? 1। C2 बाय C2 क्या होता है? 1। तो बन गया बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये वायर कैन बी निगलेक्टेड, हटा दो इसे। जब हटाओगे तो ये दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में। ये दोनों सीरीज में, आपस में पैरेलल में। सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, C1 बाय C1, C2 बाय C2, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बना हुआ है, हटा दो, हटा दो। तो फिर ये सब सीरीज में, सीरीज में, सीरीज में, सीरीज में, आपस में सब पैरेलल में। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये मैं किया हुआ है बैटरी वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, टू कंडक्टिंग स्फेयर्स ऑफ रेडियाई R1 R2 आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो इन स्फेयर की कैपेसिटेंस क्या होगी? एक आइसोलेटेड स्फेयर की कैपेसिटेंस होती क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। एक आंसर आ गया। वो कह रहे हैं कि मैंने इन्हें वायर से कनेक्ट कर दिया। जब वायर से कनेक्ट किया, दे विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल के बाद दे विल बी कनेक्टेड इन, दे आर एज्यूम टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो नेट कैपेसिटेंस कहता है क्या होगी आफ्टर कनेक्टिंग देम विद वायर? वायर से कनेक्ट होने के बाद वी सेम हो जाएगा, वी सेम हो जाएगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट सी क्या होता है? C1 प्लस C2 आंसर। तो आइडिया क्लियर है। तो C1 और C2 आंसर क्यों होगा? क्योंकि कनेक्ट करने के बाद ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट है, इस पूरे सर्किट के अंदर आपको ये बताना है कि अगर ये हर कैपेसिटर 2 माइक्रोफेरेड का है और एक बैटरी इसमें कनेक्ट कर रखी है 60 वोल्ट की, तो कितना वी अपीयर होता है हर कैपेसिटर के अक्रॉस? इंडिविजुअल वी बताना है, टोटल वी 60 है। ये तीनों किसमें? सीरीज में, सीरीज में, सीरीज में और पैरेलल में। ये तीनों सीरीज में तो C/3, 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 तीनों पैरेलल में तो नेट कैपेसिटेंस सी। तो नेट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड है, राइट। अब मुझे सिर्फ ये बताओ, चलो नेट तो चाहिए नहीं थी, मुझे इतना पता है कि अगर मैं 60 वोल्ट की बैटरियां लगाता हूँ इस पूरे के क्रॉस, 60 वोल्ट 60 वोल्ट 60 वोल्ट, क्योंकि तीनों किसमें कनेक्टेड है? इन पैरेलल। इस पूरी लाइन के क्रॉस 60 वोल्ट 60 वोल्ट बराबर डिवाइड होगा तीनों में, क्योंकि तीनों की कैपेसिटी सेम है। 20 वोल्ट 20 वोल्ट एंड 20 वोल्ट, आंसर इज 20 वोल्ट। आपको हर कैपेसिटर की कैपेसिटी बतानी है, तो हर लाइन 60 60 60 वोल्ट की है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो 60 वोल्ट इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा 20, 20 और 20 में। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो आंसर 20 वोल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन है, इट इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। तो मुझे 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर बनाना है और टोटल वोल्टेज मेरे को उसके 200 वोल्ट चाहिए, बस ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो अब मैं मार्केट जाता हूँ कि चलो मेरे को शायद मार्केट से 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर एक मिल जाए,
जो 200 वोल्ट पे चले, अगर मिल जाता है बस मेरा आंसर सॉल्व हो जाता है। पर जब मैं मार्केट गया तो मुझे मिला नहीं, मुझे 10 माइक्रो फेरेड तो मिल गया लेकिन वो सिर्फ 50 वोल्ट पे ही चल पाता है, तो मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। मेरी सी की वैल्यू तो सॉल्व हो गई 10, पर मेरे को वी कितना चाहिए इसमें 200, पर लेकिन ये कितना विदस्टैंड कर रहा है सिर्फ 50। अब और कोई कैपेसिटर अवेलेबल है नहीं, मेरा पर्पस कैसे पूरा होगा? पूरा तो हो जाएगा, आपको बताना है कि कैसे। मतलब आप जितने मर्जी कैपेसिटर लो 10 माइक्रो फैरड के 50 वोल्ट के साथ, पर मेरा आंसर सॉल्व कर दो कि नेट कैपेसिटर, नेट जो वोल्टेज है वो 200 वोल्ट आनी चाहिए। तो किसी ने ये सजेशन दिया, एक काम करो कि 200 वोल्ट चाहिए ना, चार कैपेसिटर ले लो, चारों सीरीज में लगा दो, 1 2 3 4, 50 वोल्ट 50 वोल्ट 50 वोल्ट 50 वोल्ट, तो टोटल कितना हो गया 200 वोल्ट। आपका पर्पस सॉल्व हो गया। भाई मैंने कहा देख, पर्पस 200 वोल्ट में तो सॉल्व हो गया, पर टोटल कैपेसिटी 10 माइक्रोफेरेड नहीं रही, 10 10 10 10 सीरीज में, तो 10/4 कैपेसिटी हो गई। सही है, अब कैपेसिटेंस हिल गई। तो फिर उसने कहा एक काम करो, आपकी पूरी कैपेसिटी कितनी आती है 10/4 की ना, तो आप ऐसी चार रोज और ले लो। क्यों? क्योंकि 50 50 50 50 वोल्ट, टोटल 200 वोल्ट 200 वोल्ट 200 वोल्ट और 200 वोल्ट, वी में तो कोई फर्क नहीं। इसकी कैपेसिटी 10/4 10/4 10/4 10/4 पैरल कॉम्बिनेशन में, नेट आंसर फिर से 10 आ जाएगा। तो चार सीरीज में और चार पैरल में लगाने पड़ेंगे, आंसर आ गया। ग्रिड बनाना पड़ेगा पूरा, हिट एंड ट्रायल है सारा, कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं। सोचना पड़ेगा कि अगर वी 200 वोल्ट बनाना है तो कैसे बनाना पड़ेगा, तो 200 वोल्ट के लिए तो चार सीरीज में लगाने ही पड़ेंगे। और मान लो ऐसे कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये 10 10 10 माइक्रो फैरड का है तो नेट कैपेसिटी 10/4 है। मैथ्स ये कहते हैं कि चलो वाई वाई रोज बनाई है आपने, तो 10/4 इंटू वाई टोटल कैपेसिटी आ गई, और आंसर क्या आना चाहिए वापस से 10, तो वाई की वैल्यू 4, तो ऐसी चार रोज होनी चाहिए। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें। तो इन सभी कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चेक कर लो, 10 ही आ रही है, और वोल्टेज हर पूरी लाइन में रो में कितनी आ रही है, 200 वोल्ट आ रही है। तो ये इसका सोल्यूशन है। तो समझ में आ रहा है कि इसमें क्या लॉजिक लगेगा, इसमें कोई डाउट इसमें? ठीक है, कोई फिक्स सोल्यूशन नहीं आएगी, फॉर्मूले वैल्यू पुट करो आंसर नहीं आएगा, आंसर हिट एंड ट्रायल है। सोचना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव में कि कैसे इसका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। ये हमने किया हुआ है सी और डी का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, ये हमने किया हुआ है ऊपर वाले सीरीज में नीचे वाले सीरीज में आपस में पैरेलल में इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है, 100 पीको फैरेड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 24 वोल्ट। सी पता है, वी पता है, चार्ज पता है। फिर वो कह रहे इट इज कनेक्टेड टू अनचार्ज्ड कैपेसिटर, मतलब 100% कॉमन पोटेंशियल लगेगा। तो अनचार्ज कैपेसिटर पता है, अनचार्ज कैपेसिटर की कैपेसिटी पता है, पर चार्ज है ही नहीं, अनचार्ज्ड है, तो क्यू टू जीरो। तो आपको ये बताना है कि आफ्टर कनेक्टिंग देम नया पोटेंशियल क्या होगा 100 के क्रॉस। बाई कनेक्टिंग देम का मतलब कॉमन पोटेंशियल, C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2, C1V1 Q1 होता है, C2V2 Q2 तो है ही नहीं आंसर, तो इतना आंसर आएगा। समझ में आ रहा है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉमन पोटेंशियल। कोई डाउट इसमें? तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकलेगी इसमें। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है न्यूमेरिकल्स में, जिसको शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट करना। इलेक्ट्रिसिटी में शॉर्ट सर्किट ऐसे होते हैं, हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, मान लो एक रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस R2 है और एक रेजिस्टेंस R3 है। ये तीनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। अगर यहाँ से I करंट आया तो सब में सेम जाएगा। किसी ने एक वायर यहाँ कनेक्ट कर दी जिसकी कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, अब जब आई करंट यहाँ पे आया वो ना डिवाइड होगा ऊपर और नीचे वायर्स में, डिवाइड होता है। जिस रास्ते में कम रेजिस्टेंस होती है उसमें ज़्यादा करंट जाता है, और जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर की जाती है उसमें कम करंट जाता है। ये पॉइंट भी क्लियर है?
लेकिन ये वायर कहती है मैं तो कोई रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं करूँगी, तो सारा का सारा करंट इसी में चला गया, इसमें गया ही नहीं, क्योंकि देखो करंट वो रास्ता फॉलो करेगा जहाँ रेजिस्टेंस उसको कम मिलेगी, तो यहाँ तो मिली नहीं, तो सारा का सारा करंट बाईपास कर गया, ऊपर से खिसक गया, यहाँ पे गया ही नहीं। इसको बोलते हैं आर टू और आर थ्री को आपने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, एक ऑल्टरनेटिव पाथ ढूंढ दिया जिससे कि करंट ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता कितना आया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पता कितनी आएगी इसमें, सिर्फ आर वन, आर टू आर थ्री, यानी कि लगाओ ना लगाओ फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो जो एक बिना रेजिस्टेंस की वायर है वो पर्पस सॉल्व कर रही है। सेम कॉन्सेप्ट कैपेसिटर के अंदर भी चलता है। ये आपका एक कैपेसिटर है, ये दूसरा और ये तीसरा कैपेसिटर है, C3, C2 और C1। तो ये मैंने एक वायर लगा दी, जब मैंने एक वायर लगाई तो वायर इक्विपोटेंशियल है, तो V की वैल्यू इस वायर के अक्रॉस कोनों पे क्या रहेगी, सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन कैपेसिटर्स के अक्रॉस क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये चार्ज ही नहीं होंगे, जब चार्ज नहीं होंगे तो मेरे किसी काम के नहीं है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सिर्फ कितनी काउंट होगी, C1। तो हम बोलेंगे हमने C2 C3 को क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, राइट। तो ये देखो क्वेश्चन मिलता जुलता है, क्वेश्चन है खैर हाँ कह सकते हो शॉर्ट सर्किटिंग का क्वेश्चन हो सकता है इसमें। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 5 है, ये 5 5 5 माइक्रोफेरेड है, बैटरी 50 वोल्ट की है। वो कह रहा है कि अगर मैंने स्विच को क्लोज कर दिया तो बताओ बैटरी में से कितना चार्ज फ्लो कर गया। चलो एक काम करते हैं, इसे क्लोज मत करना, ओपन रखो, अभी स्विच का कोई काम नहीं, इसे ओपन मत दबाना। तो ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, जो आंसर आएगा इसके साथ इन सीरीज में। तो आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेना, सी और सी पैरेलल में 2C, 2C और सी सीरीज में, तो आंसर क्या आएगा, 2C/4। कोई डाउट इसमें, तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई, अभी स्विच को टच नहीं किया। तो चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी, टोटल वी हमें 50 वोल्ट पता है, तो टोटल चार्ज बैटरी ने कितना दिया होगा, क्यू इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू वी, ये आंसर आ गया। सी आपको पता है, पुट कर लेना, आंसर आ गया। तो एक चार्ज निकाल लोगे तो टोटल कैपेसिटी को 50 से मल्टीप्लाई करके टोटल चार्ज आ गया, कोई डाउट इसमें, राइट, यहाँ तक क्लियर है। अब एक काम करो, स्विच को दबा दो, जैसे ही आपने स्विच को दबाया ये लो, इस कैपेसिटर की शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, क्योंकि V यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो गया, सेम। तो ये तो चार्ज ही नहीं हुआ, इसको लगाओ ना लगाओ कोई फर्क पड़ता ही नहीं, हटा दो। अब ये दोनों कैपेसिटर रह गए पूरे सर्किट में, दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो नेट कैपेसिटेंस क्या आएगी, 2C, 50 वोल्ट की बैटरी है, तो फिर चार्ज क्या आएगा, 2C × 50, ये चार्ज आ गया। अब देखो जब वो स्विच ओपन था, तीन कैपेसिटर्स की वजह से बैटरी ने इतना चार्ज दिया हुआ था, लेकिन जब एक कैपेसिटर काम करना बंद कर रहा है ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग, तो बैटरी ने इतना चार्ज देना पड़ा, ज़्यादा चार्ज देना पड़ा, एक्स्ट्रा कितना गया, इसमें से इसे माइनस कर दो, जो एक्स्ट्रा चार्ज गया वो ए बी में से फ्लो कर गया, आंसर। तो ए बी में देखो जब स्विच ओपन था तो इतना चार्ज तो फिर भी चला ही जा चुका था, लेकिन स्विच दबाने से एक्स्ट्रा चार्ज गया, कितना गया, इसमें से इसे माइनस करो, वो एक्स्ट्रा चार्ज आपको कैलकुलेट करके बताने कितना जाएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें कि क्या लॉजिक लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज का इसमें, ठीक। तो ये चार्ज बैटरी में से फ्लो करेगा, इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, पार्टिकल पी
इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में पार्टिकल पी है, तो इसमें वो डायग्राम थोड़ा फीका यहाँ बना दिया। वी वोल्ट की बैटरी है, दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, दोनों माइक्रो फेरेड पे हैं, गलती से पी को लिख दिया, ये माइक्रो फेरेड ही है, दोनों माइक्रो फेरेड के कैपेसिटर्स हैं, और एक पी पार्टिकल है जो इस कैपेसिटर की प्लेट में है। तो रूल नंबर वन, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है। चार चीज बना ली है मैंने। इसके बीच में एक पॉजिटिव चार्ज, मास पता है इस पार्टिकल का एम, और चार्ज पता है नेगेटिव, तो एक नेगेटिव चार्ज को इसके अंदर हमने रख दिया। अब वो कह रहे हैं कि सरफेस एरिया, प्लेट का एरिया मुझे पता है, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस वी शुड बी अप्लाइड, मैं यहाँ पे वी क्या अप्लाई करूँ ताकि ये पार्टिकल हवा में कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रेस्ट पे हवा में टिका रहे, नीचे ना गिरे। अब ये क्वेश्चन ना वापस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉब्लम है। इस कैपेसिटर को अलग से बना लिया मैंने ये ना, तो इस कैपेसिटर को जब अलग से बनाया तो ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव है, नीचे वाली प्लेट नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, ऊपर से नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है। चार्ज पार्टिकल क्यों गिरेगा नीचे, इसका वेट इसे नीचे गिरेगा, क्यों नहीं गिरेगा, ये नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ खींचेगी, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना क्यूई। तो अगर चाहते हो कि पी इक्विलिब्रियम में रहे तो एम जी मस्ट बी इक्वल टू क्यूई, रूल तो वही है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो एम जी क्यूई के इक्वल होगा तो नहीं गिरेगा। अब रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस कैपेसिटर की प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो पुट कर दिया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, इस प्लेट का चार्ज, तो मान लो इसका पी पार्टिकल का चार्ज तो क्यू था, प्लेट का चार्ज क्यू डैश है, तो प्लेट का चार्ज क्यू डैश डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया क्वेश्चन में गिवन है प्लेट का आपको, तो क्यू डैश बाय एरिया पुट कर दिया। अब आपको इस केस में क्यू डैश निकालना है, ये दोनों कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज, सी इक्विवेलेंट आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट को वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज आ जाएगा, तो चार्ज क्यू की जगह क्यू डैश क्या होगा, सी इक्विवेलेंट इनटू वी। अब देखो इस क्वेश्चन में एम पता है, जी पता है, पार्टिकल का नेगेटिव चार्ज पता है, सी इक्विवेलेंट आप निकाल लोगे, वी आपको निकालना है, एरिया ऑफ प्लेट आपको पता है, ये आपको पता है, सॉल्व करके भी निकाल लेना। मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है इसका, कोई डाउट इसमें? तो लॉजिक स्टार्ट वहीं से है, अगर पार्टिकल को नहीं गिरना तो एम जी क्यू ई के इक्वल कर दो, एम जी क्यू ई इक्वल करके इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो, सिग्मा प्लेट का चार्ज अपॉन एरिया कर दो, कैपेसिटर का चार्ज सी इक्वलेंट इंटू वी से निकल आएगा, सी इक्वलेंट आप निकाल ही लोगे, वहाँ से वी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो आइडिया समझ में आ रहा है, कोई एनसीईआरटी में आने वाला है नहीं है, एनसीईआरटी में तो टोटल कुल मिला के सिर्फ 11 क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, नहीं एनसीईआरटी में कैपेसिटर के बस, मतलब वो तो मैंने पहले लेक्चर में करवाई दिए हैं, वो तो अब छोड़ ही दो, तो मतलब इतना बेसिक एनसीईआरटी की नई बुक के अंदर सिर्फ 11 क्वेश्चन हैं, अब अंदाज़ा लगा लो कि कितने होते हैं 11, चलो 25 लगा लो उस एग्जाम्पलर में होंगे, 33 क्वेश्चन टोटल देती है बस, ठीक। पर लेकिन कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट आपके पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करना है ये बहुत बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे करना है वो भी बताता है। तो ये क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे मुझे मालूम नहीं, पर आएंगे तो कॉम्पिटिशन में ही आएंगे, ये एनसीईआरटी वाला काम तो है नहीं इसमें कुछ भी, ठीक है। पर चलो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, अगर बीच में फंस गए तो कम से कम पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली करना क्या है। ऐसी फ़ोटो में बहुत देखी होंगी आपने, मेंस के अंदर भी देखी हैं, बुक के अंदर भी देखी हैं, आप सैम्पल पेपर में भी देखेंगे, बहुत जगह देखेंगे ऐसी एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है कैपेसिटर की प्लेट्स में से, ऐसा कुछ। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर न्यूमेरिकल करेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लो ये प्लेट ऑफ कैपेसिटर है और चार्ज है प्लस और माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, प्लस से माइनस। किसी ने एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को सीधा हॉरिजॉन्टल फेंका, वो सीधा जा रहा था पर प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर में उसकी एंट्री हो गई, जैसी एंट्री हुई इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसके ऊपर फोर्स लगाई और पॉजिटिव प्लेट ने उसे अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया। आप ये चाहते हैं कि वो सीधा जाए, प्लेट चाहती है वो ऊपर आए, तो वो दोनों कोऑर्डिनेट्स में कवर करेगी, तो पैराबोलिक पाथ कवर कर जाएगी और पार्टिकल ऐसे निकल जाएगा,
सही है यहां तक? तो ऐसे डायग्राम आपको दिखेंगे उसमें। तो ये पैराबोलिक पाथ कवर करेगा। मान लो आपका पार्टिकल यहां से एंटर करता है और इस प्लेट को यहां से टच करता हुआ निकल के चला जाता है, तो उसने पूरी जर्नी में वाई में डिस्टेंस कितना कवर किया? प्लेट का डिस्टेंस अगर डी है तो आधा डिस्टेंस डी बाई टू, तो उसने आधा डिस्टेंस डी बाई टू कवर किया। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया? ए कवर किया, हॉरिजॉन्टल लेंथ ए कवर की। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी यू है, वर्टिकल में तो वेलोसिटी थी नहीं, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी, क्योंकि फोर्स वर्टिकल में है, वाई एक्सिस में फोर्स है, एक्स में कोई फोर्स नहीं है, तो एक्स में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगी, तो वेलोसिटी एक्स में क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट। वेलोसिटी एक्स में कॉन्स्टेंट, एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होगी। एक्सेलरेशन किस एक्सिस में होगी? वाई में होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां अप्लाई कर रहे हैं? वाई के अलोंग कर रहे हैं। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो कैसी इक्वेशंस अप्लाई करनी है? ऐसी इक्वेशन अप्लाई करनी है कि एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर्ड कितना है? ए। तो ए इज इक्वल टू यू टी, क्योंकि एक्स एक्सिस में डिस्टेंस क्या अप्लाई करेंगे? एस इज इक्वल टू बी टी, तो यू ए इज इक्वल एस ए इज इक्वल टू यू टी, टी की वैल्यू आ गई। और वाई एक्सिस में एस इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में डिस्टेंस वाई एक्सिस में डी बाई टू है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, हाफ एक्सेलरेशन कितनी है? क्यू ई बाई एम है इन टू टी स्क्वायर। तो जब न्यूमेरिकल आएगा तो इस टी को उठा के यहाँ पुट करके जो निकालना निकालते रहना, पर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं एक्स में क्या करना है और वाई में क्या करना है। जो लोग मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं उन्होंने क्या किया? एक स्टेप और ऊपर डाल दिया, उन्होंने एक्स में भी एक्सेलरेशन दे दी, उन्होंने वाई में तो एक्सेलरेशन दी दी, एक्स में भी एक्सेलरेशन दे दी, प्रीवियस ईयर पढ़ लेना। और एक्स में एक्सेलरेशन देने का मतलब यू कैन नॉट अप्लाई एस इज इक्वल टू वी टी, तो एक्स में भी आपको क्या अप्लाई करना पड़ा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा उन्होंने मॉडिफाई करके क्वेश्चन दिया। बट चलो, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम तो बस इतनी रहेगी, मैंने सैम्पल पेपर में देखे, एनसीईआरटी के सैम्पल पेपर में ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, तो ये ना सोचे एनसीईआरटी में आएगा नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आएगा। लेकिन मेंस और नीट कैसे मॉडिफाई करके देंगे मुझे मालूम नहीं है, वो प्रीवियस ईयर ही आपको बताएगा। हाँ, मैं आपको इसके बेस पे ये क्वेश्चन बता सकता हूँ, पर ये क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा मुझे मालूम नहीं है, बट इसकी टेक्निक बता सकता हूँ क्या टेक्निक है। इसके अंदर वो ये कह रहा है कि बोथ दी कैपेसिटर्स, ये दो कैपेसिटर्स हैं, इन दो कैपेसिटर्स का एक स्क्वायर प्लेट के बने हुए कैपेसिटर्स हैं जिसका एज ए है, एज समझते हो साइड ए है, तो प्लेट का एरिया क्या बनेगा? ए का स्क्वायर, प्लेट का एरिया ए स्क्वायर है। सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स आर डी वन एंड डी टू गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस वी को अप्लाई किया ए और बी में, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया वी। इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ दी अपर कैपेसिटर, बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच में, तो यानी कि अगर ये डिस्टेंस डी डी वन है तो ये डी वन है, तो आधा डिस्टेंस कितना है? डी वन बाई टू, तो इलेक्ट्रॉन को डी वन बाई टू पे प्रोजेक्ट किया, तो इस कैपेसिटर को अलग बना लिया मैंने। तो आगे व्हाट मिनिमम स्पीड शुड इलेक्ट्रॉन बी प्रोजेक्टेड, आपको बताना है यू क्या हो ताकि वो किसी प्लेट से टक्कर ना खाए, मतलब इतनी मिनिमम भी ना हो कि यहाँ टक्कर खा के यहीं गिर जाए, बाहर निकले लेकिन ऑलमोस्ट इसको टच करता हुआ बाहर, टच करता बिल्कुल बाउंड्री लिमिटिंग केस है, मीन्स बिल्कुल उसके पास से निकल जाए। जब मैं बोलता हूँ पास से निकल जाए तो ये डिस्टेंस कितना ऑलमोस्ट ट्रेवल करेगा? डी वन बाई टू। लेंथ कितनी कवर करेगा? ए। तो इक्वेशन तो वही बनेगी सेम, क्या एक्स एक्सिस में ए इज इक्वल टू यू इन टू टी, तो टी आ गया, और वाई एक्सिस में डिस्टेंस कितना है? डी वन बाई टू हाफ एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम इन टू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू पुट कर दी। अब इन कैपेसिटर में चार्ज क्या होगा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वी। दोनों कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है? सीरीज में, तो सी इक्वलेंट आ जाएगा। एरिया ऑफ प्लेट ए स्क्वायर है, चार्ज क्या होगा? सी इक्वलेंट इन टू वी। इस चार्ज को आप यहां पुट कर लेना सी इक्वलेंट इन टू वी, और सी इक्वलेंट की जगह ये बड़ी सी वैल्यू पुट कर लेना, ई की जगह पुट कर लेना सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की जगह चार्ज बाई एरिया, और फिर चार्ज की जगह फिर सी इक्वलेंट इन टू वी। आराम से बैठना, क्वेश्चन ट्राई करना, और ऐसा कुछ करके यू आएगा। मैंने तो सॉल्व नहीं किया यू, मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ी सॉल्व करने की, पर मैंने बता दिया कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, यहाँ तक क्लियर है? चार्ज क्या आएगा इस कैपेसिटर पे? चार्ज आएगा सी इक्वलेंट निकाल लो, पहले दो की जगह एक कैपेसिटर लगा लो और उसको वी से मल्टीप्लाई कर लो,
क्योंकि दोनों कैपेसिटर सीरीज में, तो चार्ज की वैल्यू दोनों में क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम। तो इसलिए जहां जहां क्यू देख रहा हूं वहां सी इक्वल टू वी पुट कर रहा हूं, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूं वहां सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट पुट कर रहा हूं, जहां सिग्मा देख रहा हूं वहां चार्ज बाय एरिया पुट कर रहा हूं, और फिर से जहां चार्ज देख रहा हूं वहां सी इक्वल टू वी पुट कर रहा हूं। सॉल्व करके निकाल लेना वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, नहीं आएगा मेरे को भी मालूम है, पर एक कॉन्सेप्ट तो है कि ऐसे सोचना है आपने, ठीक है। आएगा नहीं आएगा मुझे मालूम नहीं, अगर आप हिस्ट्री पूछो तो ना, ऐसा ना, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। बट हाँ, मिलता जुलता क्वेश्चन मॉडिफाइड, हाँ मेंस के अंदर आपने देखा है इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इस तरीके से आया हुआ है, ठीक।